बिहारी दीक्षित और आज तमाम पार्टियों के निर्दलीय और पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं, तो आइए आप लोगों को बता दीजिए किसने आज नामांकन किया और किसकी क्या राय है, किसने क्या उद्देश्यों के साथ अपनी भूमिका निभाई है। विधानसभा 226 ललितपुर कांग्रेस से बलवंत सिंह लोधी ने किया नामांकन। नामांकन के बाद क्या बोले आइए सुनते हैं। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी ने आप पे विश्वास कर जो दिया है सीट आपको दी है, किस प्रकार से आप इस पर खड़े उतरेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी ने जो मुझे से एक किसान के बेटे को मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के उन्होंने भरोसा किया होगा। निश्चित रूप से आज लगातार, जब से मैं 2.5 साल पहले से मुझे जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी थी, तो आज लगातार कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सभी साथियों ने मिलकर के आज हमने गाय की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। किसानों के लिए जब किसानों ने दम तोड़ा खाद की लाइन में, 1 साल पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी भी आए थे, उन्होंने किसानों के घर गए, उनको मदद करी थी। अभी जो है प्रियंका गांधी जी हमारी नेता आई थी यहाँ पर ललितपुर में, भी किसानों के घर गई थी और जो किसानों का कर्जा था, बच्चों की शादी का था, वो भी उन्होंने चुकाया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है किसानों के, गरीब मजदूरों के साथ खड़ी है और आज जो हमें कमान दी है, ये कमान हमको नहीं दी है, हमारी ललितपुर विधानसभा की पूरी जनता के लिए कमान दी है और जनता ये चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद देगी। तो आप देख लीजिए 5 साल के अंदर ललितपुर की ना सड़कें टूटी होंगी, सड़कें बढ़िया, एक स्मार्ट सिटी की तरह जो है यहाँ पर शहर होगा, शिक्षा की कोई मतलब अव्यवस्था नहीं होगी, शिक्षा का भंडार होगा यहाँ पर। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी, यदि आप सदर विधायक बना दिया जाता है तो क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि ललितपुर में जो सड़कें हैं वो सड़कें सही होंगी, धूल उड़ रही है और स्कूल जो है, स्कूल नहीं है, दूरियां दूरियां तक 10-15 किलोमीटर तक स्कूल नहीं है, तो बच्चों को जो है परेशान होना पड़ता है। तो सबसे पहले हम शिक्षा पर फोकस करेंगे। स्वास्थ्य असुविधा है, स्वास्थ्य नहीं है, अस्पताल नहीं है, कई गांव में ऐसी असुविधा है कि वहाँ अस्पताल नहीं है, अभी तक लोग परेशान होते हैं, तो अस्पताल की सुविधा होगी और यहाँ पर जो भय का वातावरण है वो शांत होगा, कानून व्यवस्था का राज होगा। कांग्रेस पार्टी जब यहाँ पर सत्ता में आएगी तो कानून व्यवस्था भी सुधरेगी। जैसे जाति विशेष पर कहा जा रहा है कि जो लोधी समाज है वो आपको सपोर्ट करेगी, इस तरीके से सीट का निर्वाह किया जा रहा, तो वो आपको कहाँ तक लगता है? देखिए, ऐसा है, हर कोई व्यक्ति हर समाज में पैदा होता है। मैं लोधी समाज में पैदा हूँ, निश्चित रूप से लोधी समाज में पैदा हूँ तो गर्व है इस चीज का, परंतु जितने भी समाज हैं वो सब, मैं उनके परिवार का बेटा हूँ, हमें सभी का सहयोग मिलेगा। जितनी समाज हैं, धर्म है, सभी धर्मों का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से मैं एक बेटे के रूप में इस ललितपुर जनपद में मौका मिलेगा। ये ललितपुर एक बगिया है, मैं उसका एक छोटा सा सेवक बनकर के, माली बनकर के मैं इस बगियों को सींचूंगा और निश्चित रूप से यदि कोई आदमी भूखा सोता तो बलवंत सिंह भूखा होगा, तो ये चिंता मेरे लिए होगी। निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद देगी और आगे बढ़ेंगे। और जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का हमें जो अपार समर्थन मिल रहा है, जब मुझे टिकट का ऐलान हुआ तो आज गांव में, देहात में, शहर में, हर घर में खुशी हुई कि आज एक जो कहते थे कि धनबल बाहुबल ही एक विधायक का चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं, लेकिन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं, वो मजदूरी करते थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान मजदूरों के लिए ऐसे व्यक्तियों को विधायक सांसद बनाती है कि जो पैसे में भी नहीं होते हैं, तो आज हमको टिकट दिए उन्होंने और निश्चित रूप से जीत जो है यहाँ की जनता की होगी और विकास भी होगा, विजय भी होगी।